गुगु ने यहाँ पे बना दिया अपनी सहेलियां, कलीरे डालने की रस्म हो चुकी है स्टार्ट। नहाने के बाद ना तो चप्पलियां मिल रही। चलो 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 अंदर। गोलगप्पे का चैलेंज करेंगे हम, सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खाता है। मजा आता यार, लगो दिखता ना फिर मजा आता। यहाँ पे बन रही है भाई स्टेज, अभी आधी बनी है, अभी इसको कम्प्लीट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शंटी ब्लॉग्स। तो रात को हम रुके थे भाई नानी के घर पे, क्योंकि यार नीचे ना बड़ा ज्यादा रश हो गया था और मेरे को लगा कि नीचे उन्होंने सुबह जल्दी उठा देना है। तो भाई मैं आ गया था नानी के घर पे, यहाँ पे सोया था मजे से। अभी मामू आए हुए थे, उन्होंने उठाया यार। मामू भाई इंसल्ट करके चले गए मेरी, बोलते यार चंगा बंदा तू, अभी तक तू सोया हुआ है, नीचे शादी स्टार्ट भी होगी है, जब रात आनी है तब उठना तूने। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस भाई शादी वाले घर पे, वहाँ पे जाके भाई नहाना भी। अभी मेरे को नहाया भी नहीं हूँ मैं, ब्रश भी नहीं किया भाई, बिना ब्रश किए भाई कैमरा उठा दिया मैंने बोला बता दूं आपको कहाँ पे था मैं रात को। भाई दुल्हन हो रही है रेडी, अभी लगेंगे भाई क्लीरे, उसके लिए दुल्हन हो रही है रेडी। भाई लगा रही है नेल पॉलिश, दुल्हन हमारी रेडी हो रही है। अभी मैं आपको मिलवाता हूँ भाई मासियों से, रात को भाई एक भी मासी नहीं थी दिख रही क्योंकि अंधेरा बड़ा था। मासियों आई है चादर चुदर पाई है शायद रेडी रेडी हो आई। भाई ये मेरी छोटी मासी, ये मेरी उससे बड़ी मासी, ये मां जी तो आपने देखे होंगे यार, ये मसैया जी। बड़ी मासी से मिलवाता हूँ, उससे छोटी मासी से मिलवाता हूँ, उससे छोटी मासी से मिलवाता हूँ। अभी दो मासियां नहीं आई उनसे भी मिलवाता हूँ। गुगु ने यहाँ पे बना दिया अपनी सहेलियां, गुगु जिधर भी जाती है सहेलियां बन जाती है गुगु की। भाई ये तो मम्मा देखो, मम्मा नहीं गई हमारे साथ कल यार, मेरे को अकेले भेजा नानी के घर पे ऊपर, मम्मा इधर ही सो गए थे। ये सारे क्लीरे भाई खुद बनाए हुए हैं, मासियां जितने भी क्लीरे लाती हैं ना वो खुद बना के लाती हैं। अब लड़की की बूजी यार मेरी मासी, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ बोलने में। दीदी ने सूट लाया हुआ है भाई, देख सकते हो क्लीरे दीदी की मम्मा ने लाए हुए हैं, मेरी मासी ने, लड़की की बूजी ने। भाई एक क्लीरा हमारा खराब हो गया यार, ये उलझ गया यार, इसके धागे उलझ गए, पता नहीं लग रहा कहाँ से खोले कहाँ से नहीं खोले। क्लीरे डालने की रस्म हो चुकी है स्टार्ट, अभी मैं आपको बताता हूँ भाई कौन कौन क्लीरे डालता है। पहले काइना और बोला नहीं लाडो, प्यार प्यार से बोलता हूँ भाई लाडो, प्यार से बाबा बोलना, बाबा इसको प्यार से बोलते हैं हम बाबा। चलो सो गाइस ये दुल्हन की दीदी और जीजू, ये भी क्लीरे डाल रहे हैं। पर जीजू हमारे टेंशन लेते नहीं है, देते हैं। क्या ये दुल्हन की बूजी और फूफड़ जी। भाई ये आ गई दुल्हन की सहेली जानी की फ्रेंड, ये आगे भाई दुल्हन के मम्मी और पापा। भाई दुल्हन को आ गया रोना। भाई ये आगे दुल्हन के कजन ब्रदर, नहाने के बाद ना तो चप्पलियां मिल रही, ऊपर से ठंडे हो गए। चलो 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 अंदर। सो गाइस अभी मैं कंज्यूम कर रहा हूँ भाई विटामिन सी, जो कि ले रहा हूँ आंवले से। बड़ी देर के बाद भाई मेरे को आंवला दिखा तो मेरे को खाने का मन कर गया, तो मैंने बोला क्यों ना यार विटामिन सी कंज्यूम ही करी जाए। भाई घर पे अब सबसे लास्ट में बचा हूँ नहाने के लिए, मेरी बारी नहीं आ रही यार, कब से बैठा हूँ। फिर मैंने एलोवेरा लगाई है फेस पे, मैंने बोला थोड़ा ग्लो लेके आते हैं ताकि रात को बारात आनी है यार, हम भी अच्छे दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए। मासियां मुसियां सब नहा गई हैं, मैं ही बचा हूँ। नकम्मा क्या हाथ है लेजी, बोले सुस्ती मैन, लास्ट सुस्ती मैन बचा हुआ है। कुकु जबरदस्ती लगा रही है मम्मा के हाथों में मेहंदी, मम्मा बोल रही है मैं लानी। कुकु अखा नहीं नानी, कुकु डिजाइन पता कौन सा, बीच में पता क्या लिखना, बी ओ डी एच, ठीक है आगे दिल बना देना। कुकु कंफ्यूज हो रही है, कुकु सोच रही है मम्मा के हाथों में, अब बोल रही है फोन दोगे डिजाइन देखना, पता ही नहीं है इसको, ऐसे ही फोन पकड़ लिया तो लगाने लगी है मेहंदी। नानी के हाथों में लगाना गुगु का मेहंदी हुआ कैंसल, अभी लगा रही भाई दूसरी नानी के हाथों में। एक करना नानी का हाथ खराब, इन्हें मासी ये खराब करूंगा, इन्हें अच्छी नहीं आती, अच्छी लगाती नहीं आती इसको लगाना, नहीं मेरे को पता अच्छी लगाती है। मेहंदी डिजाइनर गुगु, गुगु को ना आप ऐसे नहीं समझ सकते, गुगु ने कुछ ना कुछ तो लगाया ना यार, लड़की टैलेंटेड है यार। नानी दे रही है गिफ्ट, और ये है लड़की की मासी, ये है दुल्हन की बूजी, और ये है भाई। तो भाई ये आगे भाई दुल्हन के रियल वाले ब्रदर और भाई भाभी, अभी ये डाल रहे हैं भाई कलीरा। भाई यार आप जाओ यार काम शाम करो बाहर यार, काम है, काम अभी करके आया हूं मैं। क्या काम किया आपने यार, सामान पकड़ाया, मोटर लगाई, अभी अभी कहते सामान पकड़ाया, अभी नहीं जा रही भाई शिवानी, शिवानी कल जाएगी, आप जाओ यार बाहर काम करो। तो गाइस चाची और चाचू जी दुल्हन के कलीरा डाल रहे हैं। तो गाइस अभी दीदी और माँ जी डालने लगे कलीरा और साथ में गुगू भी। तो गाइस सारे हम यहाँ पे खड़े हैं यार, देख रहे कुछ ना कुछ मिले यार, खाना भी नहीं मिला अभी तक, खाना बन रहा है तो जब तक खाना नहीं बनेगा भाई तब तक हम जा नहीं सकते उधर। अब खाना वहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे गोलगप्पे। भाई गोलगप्पे का चैलेंज करेंगे हम, सबसे ज्यादा गोलगप्पे कौन खाता है देख लेंगे, जिसने व्रत रखा हुआ वो आगे मत आए, जिसने रखा कुछ नहीं उठा। तो गाइस ये ना सुबह बोल रहे थे सारे कि हमारा व्रत है, हमारा व्रत है, अभी ये सारे बोले जब मैंने गोलगप्पे का नाम लिया ना तब ये बोलने लगे भाई हमारा व्रत ही नहीं है, क्योंकि गोलगप्पे बाबा नहीं मिलेंगे। भाई गोलगप्पे का नाम लेने के बाद इनका व्रत टूट गया। जल में गोलगप्पे का नाम लेता ना, मैं आज हम गोलगप्पे खाने जाएंगे, इसने बोला मेरा व्रत है ही नहीं है, नहीं रखना है। देखो भाई प्रूफ है, अगर तू पकड़ा गया गोलगप्पे खाते हुए, पक्का नहीं रख सकता लेकिन ये छोड़ रखेंगे, ठीक है देख लो गाइस, अगर ये पकड़ा गया भाई मेरे कैमरे के सामने आया ना, अगर ये गोलगप्पा खाते हुए देख लेना, गवाही दे दी मैंने, गवाही क्या तूने अब हाँ कर दी है, व्रत है इसका, ये गोलगप्पे नहीं खाएगा, इसके मुंह से आएगा सिर्फ पानी, खा नहीं पाएगा। तो नहीं नहीं इसने इसने व्रत अभी तोड़ा नहीं है, ये तोड़ने लगा था पर इसकी मम्मा ने बोला तेरा व्रत है, तो फिर
मामी जी ने इसको मना कर दिया। अब भाई उदास हो गया थोड़ा यार, क्योंकि मामी गोलगप्पे। कोई बात नहीं गोलगप्पे का। चलो क्या कर सकते हैं यार, इसके मतलब जो इसने खाने थे वो भी मैं खा लूंगा। क्यों, तेरे को दो दो पेट है? मैं इसके, मैं सबके मतलब जिसने व्रत रखा होगा ना उन सारों का हिस्सा मैं खाऊंगा ना। तो भाई मेहमान आ रहे हैं, खाना बन रहा है, खाने में भाई पूड़ियां बन रही है, अभी खाना लगेगा, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हमने जाना भाई सुंदर बनी, हमें काम है भाई। देखो भूख लगी है बोलता, इसको पूछ रहा है ये खा सकते हैं बर्फी? नहीं खा सकते। आज तूने अगर किसी को हाथ लगाया ना, दो किलो आलू जाड़ी उसी पर ज्यादा कुछ खा नहीं सकते। नहीं मेरा व्रत थोड़ी है, मैंने तो कल रखा था, आज तक नहीं आया मेरा। आज तो मैं भाई इसको दिखा दिखा के खाऊंगा, क्योंकि कल ये मेरे को दिखा दिखा के खा रहे थे। नहीं इसको नहीं हाथ लगाना। मतलब तू क्या दिल से रखेगा यार, नहीं, नहीं। एक व्रत नहीं रख सकता दिल से। इसका बोले दूध से बनाते से खा सकते हैं। कौन बोलता दूध से बना हुआ है? हाँ, इसमें पता है तेरे को कितने हाथ लगे हैं? भाई आलू हाथ से बनते हैं, पर इसमें पता है रोटी वाले हाथ लगे होते हैं। अच्छा, हाँ खा लिए तूने? मम्मी इसने बर्फी खा ली है। मुझे बता इसके पीछे क्यों पड़ा इतना? देखो बर्फी खाना बनता है, वो फास्ट वाली थी। नहीं फास्ट वाली थोड़ी थी, थी। नहीं नहीं नहीं, मैं उधर गया इसने फिर पीछे से उठाया। ऐसे दिल से व्रत ही नहीं रखा यार, इसका मन कर रहा है अंदर से खाने का। भाई सारे मेरी बात सुनो, अभी खाना खाने का टाइम हो गया। चलो भाई खाना खाने आ जाओ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चलो दिन का टाइम हो गया खाना खाने का, भाई लेट मत करो यार, आ जाओ। मामू जी हमें बोल रहे थे आप सारों को बोल दो, मैंने बोल दिया भाई मामू कोई आए नहीं है। भाई यार तेरा भी तो फास्ट था। मेरा फास्ट है पर दीदी के लिए, दीदी अच्छा, ने भी अच्छा, खाना नहीं खा रहा, दीदी के लिए सेवा पूरी। अब भाई देख लो छोटे बच्चे भाई गोलगप्पे पे ऐसे पड़े ना टूट के। चैलेंज चल रहा है गोलगप्पा चैलेंज, हम भी खाएंगे इनके साथ। अब एक ही हुआ, दस दस गोपी ने खाए, तीन मैंने खाया। अभी भाई गौरव ने पकड़ा हुआ कैमरा, जो कि उसको दिखा दिखा के मैं खा रहा हूँ। यार बाकी तो छोड़ो यार, भैया ने चटनी बड़ी मस्त बनाई हुई है यार, बहुत मस्त चटनी है यार। काका बस काके ने मतलब 12 गोलगप्पे खाया, उसके बाद बस कर गया, अभी मेरे 5 हुए। गोपी 20 खा गया। ओ छोटे बस कर दे अब तू, जलन पड़ेगी सुबह। हमारा कंपटीशन किसके साथ है? स्वास्तिक के साथ। 25 गोलगप्पे स्वास्तिक खा गया, अभी हमने 8 खाया। इतनी ज्यादा नहीं खाओ, पेट में दर्द भी होगी। कोई चक्कर नहीं, हमारे पेट में दर्द होगी तब क्या हुआ, इनको देख देख के दर्द हो रही है। एक लाश लगा दो शैल बड़ा, अगर बीमार हो जाएगा तो भला कौन बनाएगा? क्यों जाएगा? अगर बीमार हो जाएगा तो भला कौन बनाएगा? भैया एक बात बताऊं, सच में ये वाला पानी ना बहुत ज्यादा टेस्टी है यार, ब्रो बहुत ज्यादा। यहाँ पे बन रही है भाई स्टेज, अभी आधी बनी है, अभी इसको कंप्लीट करेंगे। सुंदर बनी हो गया कैंसिल, अब हम जा रहे हैं पांबले। भाई स्कूटी हम पता है कितनी स्पीड से चला रहे हैं, 10 की स्पीड से, ज्यादा नहीं चलानी चाहिए, मतलब पैदल भी चल सकता है यार ऐसे ऐसे ऐसे। सौर मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा बहुत ज्यादा। सौरभ बोल रहा है भाई मैं भी इतनी स्पीड से ही चलाता हूँ। हेलमेट मिली थी, किसकी मिली है मेरे को पता नहीं है, पर लगानी चाहिए। अपनी है। एक हमारे पास बैड वर्ल्ड की पड़ी हुई थी, मैंने सौरभ को बोला सौरभ वो वाली पहन ले, बोलता नहीं मैं नहीं पहनूंगा मैं। चाचू भी देख रहे हैं, चाचू नमस्कार, चाची भाई देख रहे हैं, सोच रहे हैं बंदा कौन सा आ गया इधर यूनिक, स्कूटी पे ब्लॉग कर रहा है। अगर आप भी स्कूटी चलाते हो 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए कभी भी, मैं गया हूँ मेरे को पता है, मैं आप बड़ी स्लो चलता हूँ, मजा आता यार, लेको दिखता ना फिर मजा आता, फिर आते मैं कॉन्फिडेंस और बदता, लोग आते शर्म आती, शर्म थोड़ी मजा आती, उसके बाद पता क्या होता इन्हें लगता कि नहीं यार तू कर ही सकने भाई, कर सकते हैं, यू कैन डू इट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। इंग्लिश का इतना ही वर्ड आता मेरे को, ज्यादा नहीं आता। अब पांबले जाके मिलता हूँ आप। अभी हम आ गए थे भाई पांबले, अब यहाँ पे भाई ने छोटे की थी हमारे पास पैंट पड़ी हुई, जो कि इसके भाई की बहुत ही बड़ी, भाई उसको कटवाना है, छोटी करवानी है। ये वो जींस थी, यहाँ पे भैया बोल रहे 2 मिनट रुक जाओ, फिर हम ये कटवाएंगे, उसके बाद ये ठीक करके ले जाएंगे। और हमने लेना भाई रिबन, रिबन बोला भाई हमें दीदी ने कि रिबन ले आना याद से। अब हम भाई रिबन लेने के लिए जा रहे हैं, स्कूटी हम इधर ही लगा के जाएंगे भाई, हेलमेट लगा के जा रहा हूँ यार। अब देखता हूँ कोई दुकान है यार, वहां से रिबन लेते हैं, एक रिबन लेना था और एक छोटी वाली सीजर लेनी थी हमें। तो गाइस यहाँ से लेते हैं हम रिबन, भैया रिबन होगा वो दे दो, एक छोटी वाली सीजर भी दे देना। तो गाइस अभी चला रहा है भाई सौरभ, सौरभ को मैंने बोला आस्ते आस्ते चलाना, अभी हमने पैंट भी ले लिए भाई, वो भी सिलाई करवा दी है, हमने सामान सारा ले लिया, अब हम जा रहे हैं वापिस घर को। सौरभ आस्ते आस्ते चलना, लोग हमें देख रहे हैं फिर भी हम बोल रहे हैं, चलो गाइस चलते हैं घर को सीधा।